सबसे पहले तो अल्लाह ताला के फजल से अपने आज के नए व्लॉग का आगाज करते हैं। मैं दो दिनों से वैसे बीमार था, क्यों? क्योंकि परसों जब मैं आया था हैदराबाद से, तो हैदराबाद के जो सड़कें थीं वहाँ पर धुएं और मिट्टी से मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। उसकी वजह से मुझे वो एलर्जी हो गई थी और फ्लू, गला ख़राब। तो दो दिन तो मेरे वैसे ही मतलब सर दर्द में गुजरे हैं, और उसके बाद आज शुक्र है अल्लाह का कुछ बेटर फील कर रहा हूँ। और आज संडे का दिन था, संडे के दिन पे घर पे भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो थक गया हूँ आज। तो अभी नहा के आया हूँ, गर्मी बहुत लग रही थी, कपड़े वगैरह चेंज किए, तो अभी फ्री हुआ हूँ। और आज का व्लॉग मैंने घर की छत से स्टार्ट किया है, घर की छत पे खड़ा हुआ हूँ, पीछे सोलर पैनल लगा हुआ है। भाई जो हमारा शहर है ना चूहड़ जमाली, यहाँ पर लाइट तो बस होती नहीं है ना, लाइट का नामो निशान नहीं है। 12 घंटों में कोई 4 घंटे आती है और 8 घंटे होती नहीं है। तो जो सोलर है ये बहुत काम देता है, सोलर घर में सोलर वाली लाइटें लगी हैं, सोलर पंखे लगे हुए हैं, तो बस दिन सुकून से गुजर जाता है। इसके अलावा भाई लास्ट वीक हमने अभी मिड टर्म दिया है यूनिवर्सिटी में, तो अभी मिड टर्म से फ्री हुए हैं, तो प्रेजेंटेशंस और असाइनमेंट्स का नया स्यापा आ गया है बस, तो उसकी वजह से भी परेशान है। तो अल्लाह खैर करे, अभी इस वीक में भी 2 प्रेजेंटेशन हैं यूनिवर्सिटी में, और इसके अलावा 3-4 असाइनमेंट्स भी मिल गई हैं, तो सब कुछ बनानी है, मेहनत करनी पड़ेगी, तो बस कर रहे हैं मेहनत अभी। इसके अलावा भाई असर का टाइम हो रहा है, 5 बज गए हैं, अजान भी हो गई है। पीछे आप देख सकते हैं असर का मौसम, मतलब शाम का टाइम है, बादल आपको नज़र आ रहे होंगे अगर कैमरा मेरा दिखाए तो। तो अभी हम जाएंगे नमाज़ पढ़ने, तो नमाज़ पढ़ने के बाद घर में मिलते हैं। जी भाई, मैं नमाज़ पढ़ के आया हूँ, कारी साहब से वहाँ पर मुलाकात हुई थी। तो कारी साहब मुझे कह रहे थे कि बेटा आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, छोटे बच्चों को, तो उन्हें थोड़ा सा दीन के मुतालिक भी बताया करो, क्योंकि आपकी जो बुनियाद है वो दीनी भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर दीनी वाबस्तगी नहीं होगी आपकी, तो आगे आपको अच्छाई और बुराई के बारे में इतना पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने कहा कि ज़रूर, वैसे भी मैं अख़लाकी तरबियत वगैरह उनकी करता हूँ साथ साथ, अगर कोई मतलब बात ऐसी वैसी करते हैं कोई बुरी, तो उनको मैं टोक के तो अच्छाई की तरफ मतलब अच्छी बातों की तरफ उनको तलकीन करता हूँ। तो यही था बस यार। वैसे तो कभी यूनिवर्सिटी से मुझे संडे को भी छुट्टी नहीं होती, सिर्फ सैटरडे को छुट्टी होती है, लेकिन इस दफ़ा फॉर्चुनेटली 4-4 छुट्टियाँ हुई हैं, मैं 4-4 छुट्टियाँ,
फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे की। भाई फ्राइडे और संडे को तो हमारे जो प्रोफेसर थे उन्होंने छुट्टी दे दी क्योंकि वो आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि काम था उन्हें कुछ। और सैटरडे को वैसे में छुट्टी होती है, तीन छुट्टियां हो गई, और मंडे को किस बात की छुट्टी है? मंडे को भाई है सिंध के सूफी बुजुर्ग और सूफी शायर अब्दुल लतीफ भिटाई, अब्दुल लतीफ भिटाई, उनका मेला है, उनका उर्स है। तो इस वजह से पूरे सिंध के तमाम तालीमी इदारों में छुट्टी है, तो हो गई चार छुट्टियाँ। ये हूँ मैं और ये मेरी बिखरी हुई किताबें। अच्छा तो भाई अभी हम करने लगे हैं स्टडी, बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है यूनिवर्सिटी का और टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो व्लॉग भी आज का बन गया है छोटी सी बातों में। तो अभी आज के लिए व्लॉग बहुत है इतना, और यार सब्सक्राइब करवा दो अपने फ्रेंड से, सब्सक्राइब करवा दो मेरे, थोड़े से सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो, मुझे भी थोड़ी तसल्ली हो। तो थैंक यू और अल्लाह हाफिज़।